क्या करूँ क्या करूँ, कोई सोल्यूशन ही नहीं देता। सेंटेंसेस क्या होती है, उसकी पार्ट्स कितनी होती है, कोई सोल्यूशन ही नहीं कर देता। क्या आपको ये डाउट है? यदि आपको ये डाउट है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंसेस क्या होती है, उसकी पार्ट्स क्या होती है और उसकी पार्ट्स कितनी होती है, ये भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल, सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, सो मच टिल द एंड एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, सो लेट गेट स्टार्टेड। आइए गाइस, पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस की डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। सो सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है? सेंटेंस का यही डिफिनेशन है जो कि अ सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है एक वाक्य होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कि जो शब्दों का समूह होता है। जैसे ये सब शब्द है, ही है, इज है, ए है, वो डॉक्टर्स है, ये सब वर्ड्स है, तो ये सब का समूह पुट टुगेदर मतलब उनको जोड़ा जाता है एक सर्टेन ऑर्डर में, गिविंग कंप्लीट सेंस। यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सेंटेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक क्रमबद्ध ऑर्डर में वो सही कंप्लीट सेंस निकाले, अर्थ निकाले, तब वो होगा सेंटेंस। जैसे हम लोग ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल क्या कह रहा है, ही इज द डॉक्टर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, वर्ड्स एक सर्टेन ऑर्डर में है और इसका अर्थ निकाल रहा है पूरे सेंस में, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सो इसका मीनिंग निकल रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया सेंटेंस। इसी के साथ मैं ले लिया आई हैव अ कार, यहाँ पे ये सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्या, एक ये सर्टेन ऑर्डर में और इसका पूरी तरह से इसकी मीनिंग मिल रही है। इसका मतलब हुआ मेरे पास एक कार है, सो मेरे पास कार एक सर्टेन ऑर्डर में है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, सो यहाँ पे हो गया ये सेंटेंस। यही होता है सेंटेंस, मतलब सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो या इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है, और ये एक सर्टेन ऑर्डर में हो, देन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंटेंस। ये जो पूरा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब कि सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जिसका सर्टेन एक ऑर्डर में हो और जिसका कंप्लीट सेंस निकले, उसको कहेंगे हम लोग सेंटेंस। यही होता है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या है, आगे है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टू पार्ट्स है ऑफ अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस के होते हैं कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है सब्जेक्ट और सेकेंड है प्रीडिकेट, मतलब कि पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रीडिकेट। सो यही दोनों होते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैं काइंड नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पार्ट लिख रहा हूँ, मतलब कि जो एक सेंटेंस हो, मैं यही सेंटेंस ले लेता हूँ, लिख देता हूँ ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे इसका ये जो है इसका हम कहीं टू पार्ट करें, ये सेंटेंस इसका दो भाग है, इसी मतलब कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस में कितने भाग होते हैं टोटल, दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, टू भाग होते हैं। और ये कौन कौन होते हैं, बट अभी मैं इस वीडियो में नहीं बतलाऊंगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में उसकी सारी कुछ की जानकारी सारे कुछ उस वीडियो में मैं बतलाऊंगा। सो यही इस वीडियो में था कि सेंटेंस क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और पार्ट्स क्या क्या थी वो मैंने आप लोग को बता दिया। सो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को किसी का लाइक, हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से आप लोग से मुलाकात करते हैं।